हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिया है 1 लीटर दूध, बड़ा चम्मच कस्टर्ड, 4 बड़े चम्मच चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमने लिए हैं अंगूर, 1 सेब, 1 कीवी, अनार, केले। अब पैन के अंदर हम दूध ले लेंगे। अब इसमें चीनी डाल देंगे। जब हमारा दूध हल्का सा गर्म हो जाए तो जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है उसके अंदर हम 4-5 स्पून दूध डाल के उसको बहुत अच्छी तरीके से चला के फेंट के उसका एक पेस्ट बना लेंगे, जिससे उसमें लम्स ना आए। 10 से 12 मिनट दूध को उबालने के बाद हमारा दूध कुछ इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा। एंड उसके बाद अब टाइम आ गया है, इसके अंदर अब कस्टर्ड जाएगा। तो जब हम कस्टर्ड डालेंगे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक साथ सारा कस्टर्ड पेस्ट ना डालें, उसे धीरे धीरे करके डालें जिससे उसमें लम्स ना आए, और उसे चलाते रहें रेगुलरली। अब आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड तैयार है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल देंगे। अब कस्टर्ड को एटलीस्ट 1 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर बाद में उसमें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट ऐड करें। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम फ्रूट्स को चॉप करके रख लेंगे। अब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है तो चलिए फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करते हैं। एंड में ड्राई फ्रूट डाल देंगे। जरूरी नहीं है कि जो फ्रूट्स हमने डाले वही आपको डालने, आप अपनी मर्जी से कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। बट हाँ, एक सजेशन है कि अगर आप बनाना को रखेंगे अपने फ्रूट्स में तो वो और अच्छा स्वाद आएगा उसका, कस्टर्ड का। अब हमारा कस्टर्ड तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं। और इसे हम डिनर के बाद, लंच के बाद हम इसे कभी भी खा सकते हैं। बस इसे फ्रिज में रखिएगा और हम इसका मज़ा 1-2 दिन तक ले सकते हैं। थोड़ा शर्माते हैं कोई बात पर अच्छा बने।